अनुच्छेद 239(a)(a)(3)(b) के तहत संसद को दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र या उसके किसी भी भाग के लिए उसके संबंधित किसी भी विषय के लिए कानून बनाने का पूर्ण अधिकार है। उसके बाद अब ये बिल लेके आए, ऑर्डिनेंस को रिप्लेस करने के लिए बिल लेके आए। मैं सुन रहा था, माननीय गृहमंत्री अमित शाह जी का भाषण सुना मैंने, 2 घंटे भाषण दिया उन्होंने। उस 2 घंटे में एक लाइन भी उन्होंने ये नहीं बताई कि इस बिल को लाने से इस देश की जनता का क्या फायदा होगा, दिल्ली की जनता का क्या फायदा। बार बार बस एक ही लाइन बोल रहे थे, हमारे पास पावर है, संविधान ने हमें पावर दिया ये कानून लाने की, हमारे पास पावर है, सुप्रीम कोर्ट ने हमें पावर। अरे पावर तो तुम्हारे पास सारी है, तो डुबोगे क्या इस देश को, लेके डूबोगे क्या इस देश को, मारोगे क्या लोगों को, तानाशाही करोगे क्या इस देश के ऊपर, कत्लेआम करोगे क्या लोगों का, पावर तो सारी है तुम्हारे पास, इसी लोगों ने पावर दिया, एक दिन छीन भी लेंगे तुम्हारी पावर। ये जो पावर 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 का नशा तुम्हारे अंदर हो रहा है, बस एक ही लाइन, वो पावर है हमारे पास, पावर है हमारे पास, पावर है हमारे पास। पावर किस लिए दिए तुमको, पावर इसलिए दिए कि जनता का भला करो, पावर इसलिए दिए कि जनता के लिए काम करो, पावर इसलिए दिए कि लोगों को रोजगार दिलाओ, पावर इसलिए दिए कि सड़क दो, बिजली दो, पानी दो, जनता के लिए काम करो, पावर इसलिए नहीं दी कि जनता के अधिकारों को कुचल दो तुम, पावर इसलिए नहीं दी कि संविधान को कुचल दो तुम। एक चीज सोचने वाली है, इन लोगों को ऑर्डिनेंस क्यों लाना पड़ा। इन लोगों को ऑर्डिनेंस इसलिए लाना पड़ा क्योंकि अब इन्होंने दिल्ली नहीं पूरे देश के अंदर कत्लेआम मचा रखा। जहां नॉन बीजेपी की गवर्नमेंट है, सबको 2 तरीके इन्होंने अपनाए हैं, 2 हथियार हैं इनके पास जिससे ये सरकारें गिरा रहे हैं, या तो पैसे देते हैं और या फिर ईडी सीबीआई छोड़ के उसको धमकी देते हैं, गिरफ्तार कर लेते हैं और फिर बेल तभी होती है जब वो अपनी पार्टी बदलता है, उसके बाद ही बेल होती है। इन्होंने दिल्ली में दोनों हथियार इस्तेमाल किए हैं,